इसको घर में घर में खोल लेना चाहिए। मेरे से आवाज सुनेगा, ओए होए होए, जिसके लेयर्स आ रही ना यही इसका मजा है। अच्छा इसमें ओवर मेहनत नहीं होनी चाहिए, हल्की सी टीम आना चाहिए बिल्कुल, इतना कि ये बाहर जब फ्राइंग पैन आ निकले। भाई कुछ दिन पहले मुझे बड़ा शौक हो रहा था, एक बड़ी क्रेविंग हो रही थी, वो कचौरियाँ की मिलती थी ईद बकरीद पे, जीरे वाली अंदर कीमा होता था, पंच रोड से रुक लाते थे, फिर शहर में बाजारों में काफी जगह मिल जाती थी, अब वो बहुत कम नजर आती हैं। तो मुझे किसी ने हवाला दिया कि कराची किचन कहानी पे किरण है, वो सब देती हैं फरमाइश पे आपके ऑर्डर पे, मैंने मंगवाई थी, क्या मजा आया था उस कीमे के साथ में और आलू की सब्जी के साथ। तो आज मैंने कहा किरण आगे से हमें बना के दिखाएं कि कैसे बनती है। बिल्कुल जी। किरण ये आपके यहाँ भी बकरीद ईद पे बनती है या नहीं बनती? बिल्कुल जी, ये मीठी ईद खास तौर से दिल्ली वालों के तो लाजमी है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे यहाँ होता है ये कि हम लोग सर्च में निकल जाते हैं कि जी कचौरियाँ कहाँ मिलेंगी। हाँ। तो अब कुछ साल पहले जी कचौरियाँ मिलना ही बंद हो गई, मतलब कीमे भरी वाली सादी तो मिल जाती है लेकिन वो मजा नहीं आता, तो अब मैंने सोचा कि खुद ही बना लेते, खुद ही बना लेते, क्योंकि वो जी दिल्ली वालों को, मेरी जो बहनोई वो भी दिल्ली वाले दिल्ली से, और तो वो उनके घर पे मुझे लाजमी मिलता था और बहुत जोर से खाओ खाओ खाओ, तो खैर उसका मजा ही अलग था। अच्छा दो चार, ये तो खराब भी नहीं होती, दो चार दिन बाहर पड़ी रहती है खराब भी नहीं होती ना, इसका तो हम ये भी करते हैं कि हाफ डन कर देते हैं फ्रीजर में रख देते हैं, अब हमारा आगे महीने बाद, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है ना ऐसा, तो हम हाफ डन करके फ्रीजर में रख देते हैं, अब आप चाहें तो 15 दिन बाद 20 दिन बाद एक महीने के बाद भी आप इसको आराम से फ्राई करें। और उनके मुझे ये पता है कि वो क्या करते थे, जैसे चांद रात को लाजमी वो चांद रात को लेट आते थे लेके आते थे, सुबह इतने दिन हमें ईद के तीन चार दिन तक तो आराम से वो चलती हिलती नहीं होती जगह से, जिस तरह ताजा कीमा होता है ताजा कचौड़ियाँ बनी हुई होती, तो वो दो दिन आराम से निकलता है। आप ऑयल में फ्राई करेंगी? सर ऑयल और घी दोनों में फ्राई कर सकते हैं, वो घी में करता है, घी में खस्ता हो जाती है, खुशबूदार हो जाती है, और आप बोलेंगे बहुत हेल्दी बनाना था एयर फ्राई में फ्राई कर लीजिएगा। मैं तो साइड में होता हूँ, आपने आटा वाटा मुझे बताया कैसे बनाती है आटा इसका। कीमा कचौड़ी के लिए सबसे पहले हमें डो प्रिपेयर करके रखनी है, हमने इसमें ले लिया 2 कप मैदा, ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर, अब हम डाल रहे हैं इसमें जीरा, समझे, हमने हाफ टी स्पून जीरा ले लिया 2 कप के अंदर, 1 टीस्पून हमने इसमें ले लिया नमक, ठीक है, और हमने 4 टेबलस्पून डाल दिए घी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का घी है, ठीक है, हमने अभी फिलहाल 3 लिए, अब हम इसको पहले मिक्स करेंगे इस तरह, अगर पिघला हुआ घी है तो आप 4 ले लें, ये मुझे लग रहा है कि ये 3 में ही काफ़ी है, ये देखिए इस तरह से ये जुड़ जाता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। बेसिकली इसका आवाज़ ही इस तरह से हुआ बनाने का कि अब कराची के अंदर ख़ास तौर से ये कचौड़ियाँ मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गई हैं, और ये भी ट्रेडिशनल है हमारे दहरी वालों की कि कचौड़ियाँ ईद के दौर में एक कहना चाहिए सौगात के तौर पर भी हम लेके भी जाते हैं, खुद भी खाते हैं, इंजॉय करते हैं, तो ईद लगती है कि ईद हो रही है। ये देखिए इसके बगैर ईद इंप्लीट हो जाती है, ये देखिए जुड़ गया, इसका मतलब है कि हमने घी की जो मिकदार है वो कुछ सही रखी, ठीक है, अब आपने इसमें डाला पानी, 1 कप पानी में डाल रही हूँ, 1 कप तो पानी चाहिएगा, इसके अलावा हम देखेंगे इसके अलावा और कितना हमें पानी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा डो में पानी नहीं जाना चाहिए, पत्ती डो नहीं बननी है, इसकी डो थोड़ी सी हार्ड बनती है, और ये जो डो है ये मल्टीपर्पज़ डो है, इसके एक दफ़ा बन जाती है तो मैं आपको बताती हूँ इसके और क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं कचौड़ियों के अलावा, ठीक है, इस तरह से आप अच्छे से इसको स्मूथली इसे आप भून लें, इसे अब हम रेस्ट पे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हमने यहाँ पे छोड़ दिया, इस पे थोड़ा सा हम लगाएंगे घी ताकि जो डो है वो ड्राई आउट ना हो, और इसको हम कवर करके रख देंगे। अच्छा डो अभी हमने रेस्ट मोड पे रख दी है, अब हम इसका कीमा तैयार करते हैं, कीमे के लिए हमने 1 पाव कीमा लेना है, ठीक है, ऑयल लेंगे पैन के अंदर, बस काफ़ी है, 2-3 टेबलस्पून लेने हैं हमने, 1 पाव कीमे के साथ बना रहे हैं, अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है 1 पाव के हिसाब से आप उसके डबल रेशो कर दीजिए। साथ में हमने इसके डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, और अब हम इसे करेंगे थोड़ा सा भूनेंगे,
अभी इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे। इस वक्त हम डालेंगे सोया सॉस, 1 टीस्पून डाल रही हूँ, 1 पाव कीमा है, 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं सोया सॉस, ठीक है, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है कीमे के अंदर। और हमारी बहुत ज़बरदस्त सी कचौड़ियाँ कीमे की तैयार होने वाली हैं, जो कि आप खुद से घर में भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इनिशियल स्टेज का जो पानी था इसका वो ड्राई हो गया, अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं मज़ीद, ठीक है, भुनाई करनी ज़रूरी थी, अब हम इसको गलाने के लिए पानी डालेंगे। 1 से 1.5 कप पानी डाला है हमने, क्योंकि 1 पाव कीमा है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे गल जाएगा, ठीक है। कीमा हमारा तो गल रहा है, हमने ये डो बनाई है, इसको हमने सेट करने के लिए रख दिया था, ये तकरीबन इस तरह से सेट होनी चाहिए, देखें ये बाउंस बैक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आपकी डो ज़बरदस्त तरीके से तैयार है, ठीक है, इसे अब हम निकालते हैं, ये तैयार होगी, अब इसे आप कर लें इंटू 4 पीसेस। अगर आप बड़ा बैच बना रहे हैं तो अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना, तो आप मेजरमेंट से 120-130 ग्राम का एक पेड़ा ले लीजिए, ठीक है। इन 4 पेड़ों के तकरीबन बनेंगी 8 कचौरियाँ, ठीक है, ये देखिए। अब इसको हम थोड़ा सा मैदे में कोट करते हैं ताकि ये चिपके नहीं काउंटर के ऊपर आपके, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसे बिल्कुल रोटी की तरह बेलना है, बहुत आसानी से बनने वाली चीज़ है। इसकी मैं आपको थिकनेस बता देती हूँ, अच्छा टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई एजेस अराउंड नहीं होता है, तो कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि इसे हमने दोबारा रोल करना है और फाइनल लेयर आपका राउंड ही निकलेगा, ये देखिए। ये अब इतनी, आप देखिए कितनी इसकी मोटाई है, ये परफेक्ट है, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे हमारा घी, इसमें हमने कोई चीज़ शामिल नहीं करी है, सिर्फ ये घी है, घी लगाएं। अब जो इसका दूसरा है, ये आपने इसमें डालना है मैदा खुश्क, ये फोल्डिंग हमने फोल्ड किया यहाँ पे, दोबारा यहाँ पे आएगा घी, ठीक है, यहाँ पे आपने दोबारा से मैदा डाला, ये आपने बनाए इसके रोल, और आपने इसको किया कट सेंटर से, ये देखिए ये जो लच्छा है ये आपका क्रिएट करेगा कचौरियों का लच्छा। इस तरह से सारे पेड़े आप बना लें, ये देखिए जी इसका जो कचौरियों का कीमा था ये खुश्क हो गया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, अब आप पूछेंगे हमने मसाले पहले क्यों नहीं डाले, अगर हम मसाले पहले डाल देते तो कचौरी का जो मसाला था कीमा वो काला पड़ जाता, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा आप भून लें कीमा और फिर आप मसाले डालें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटा धनिया 1 टीस्पून, ठीक है, सॉल्ट 2 टेस्ट डालेंगे, हम मसाला अच्छे से इसको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, इसके बाद हमें डालना है अनियन। 1 पाव में हमने 2 मीडियम अनियन ले लिए, इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भूनेंगे ताकि प्याज अपना पानी रिलीज ना करे। ये रेडी हो गया, इसे हम उसको बंद कर दें, ठीक है, जरा भी इसका पानी नजर नहीं आ रहा, ऑयल नजर नहीं आ रहा, बस इसे सेंटर में करते हैं और ठंडा करने लगे। अब मैं इसमें ग्रीन चिली डाल रही हूँ, मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है, ठीक है, भर के नहीं डाला, और मैं 1 टेबलस्पून हरा धनिया डालती हूँ, हरा धनिया अच्छा सा डालें, खुशबू अच्छी आती है, ठीक है, मिक्स करें। कीमा हमारा रेडी हो गया है और अब हम कचौरियों की तरफ आते हैं, कचौरी का प्रोसेस पूरा करते हैं। चलिए जी, ये हमारा कीमा यहाँ पे रेडी भी हो गया है और हमने इसे निकाल के ठंडा भी कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं कचौरी के ऊपर, कचौरी का हिस्सा देख लें, ये जहाँ से ज़्यादा लेयर्स नजर आ रहे हैं हमें वो वाला हिस्सा लेना है, इसको नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे बेल रही हूँ, थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ,
ठीक है, इसको हमने टर्न किया। अच्छा, अब हमने इसको रख दिया एक बोल के अंदर इस तरह से, ये इसलिए ताकि हमारा कीमा जो है ना इधर उधर ना फैले और हम आसानी से उसको बंद कर दें। ये गया वन स्पून, ये गया इसका दूसरा स्पून, बस ओवरलोड ना करें इसे। ठीक है, अब यहाँ से इसकी आ रही है फोल्डिंग, बहुत एहतियात से करनी है, थोड़ा सा ट्रिकी काम है। इस तरह से आपने इसको बंद कर दिए, यहाँ से आपने इसको इस तरह से बंद कर दिया। इस तरह से इसकी लेयर्स आ गई। कचौरियाँ हमारी रेडी हो गई बनके, फिलिंग तैयार, ऑयल गरम करने रख दिया है, मीडियम फ्लेम पे इसे हल्के हल्के पकाना है। ठीक है, वन बाय वन करके फ्राई करते हैं और आपको दिखाते जाते हैं। थोड़ा सा डालने से पहले इसे आप है इसे फ्लैटन करें हल्के हल्के हाथों से, और आप इसे पहले चेक कर लें कि कितना है इसका। अभी थोड़ा सा इसमें है गुंजाइश, जैसे बॉल बबलिंग करने लगेगी हम इसमें पूरी हमारी कचौरियाँ डालेंगे। ये देखिए बॉल ऊपर आ गई है। ठीक है, अब हम इसमें कचौरियाँ हमारी डालना शुरू करते हैं। आराम से डालिए, इस तरह से फ्लैटन करा सेंटर से और आप इसको ऐसे डाल, फ्लैटन करा और ऐसे आपने डाल। अब इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकने देंगे शुरू में। ये देखिए ये फ्राई हो रही है। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे ये फ्राई होते जा रही है। अच्छा, ये अगर इस तरह से खुल भी रही है ना तो उसका कोई टेंशन नहीं है, खस्ता पूरियाँ बन रही, खस्ता कचौरियाँ बन रही है तो आप इससे परेशान नहीं हो। इसे हम पकने देंगे जब तक ये थोड़ी सी फर्म नहीं हो जाती, इसे हम फिर से टर्न कर देंगे। ठीक है, नीचे से ये गोल्डन गोल्डन सी हो रही है तो हम इसे वन बाय वन करके टर्न कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपने। ठीक है, फौरन फौरन अगर पलटेंगे तो इसकी परत खुल सकती है, आपने वेट करें कि एक तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर आपने इसे दूसरी तरफ पलटना। अच्छा जी, हमारी कचौरियाँ खस्ता सी फ्राई हो गई हैं जबरदस्त किस्म से, गर्म हो गया, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं इनको। परत देखें, जिस पे से लग रही ऑयल लग रही जी, इस पे हमने रख दिया ताकि एक्सेस ऑयल ड्रेन आउट हो जाए। इसको गर्म गर्म में खोल लेना चाहिए, देर से आवाज सुनेगा। ओए होए होए, जिसके लेयर्स आ रही है ना, यही इसका मजा है। अच्छा, इसमें ओवर मेहनत नहीं होनी चाहिए ना, हल्की सी टीम आना चाहिए, बिल्कुल इतना कि ये बाहर जब फ्राइंग पैन ना निकले। वे बहुत सस्ता है। अच्छी बात है कि मिर्ची नहीं है, आटिका को एंजॉय कर रहे टीमे को, बहुत सस्ता। ईद पे लाजमी है, ईद के नाश्ते में, ईद के नाश्ते में खैर आप किसी शाम में बना लें जब दिल जाए आपका, और रमजान में भी गुड जी बता रही, ईद के नाश्ते पर तो जरूर मौजूद है। दिल्ली वालों ने ईद के नाश्ता लाजमी है, ये मैंने खाई है। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया किरण आपका, हम एंजॉय दिस, वेरी नाइस। अस्सलामुअलैकुम, कैसे जनाब, सब खैरियत से ठीक ठाक हैं? काफ़ी दिन से आप लोगों से गप नहीं लगी, मैंने कहा आपको मैं अहलन वसहलन कह दूं। रमज़ान की आमद आमद है तो उम्मीद है कि भाई आप सबके रमज़ान अच्छे गुजरे हैं और
पेश की ईद रमजान मुबारक था ईद, और इंशाअल्लाह रابطے में रहेंगे। मुझे सिर्फ ये मालूम करना था कि भाई आप तो रमजान में क्या देखने चाहते हैं। आई नो फ्राइंग कौन सी खास डिशेस हैं, एक तो कहाँ से देख रहे हैं वो बताइए, और कौन सी डिशेस ताकि हम वो बना सकें आपके लिए, और कितनी देर की वीडियो होनी चाहिए, ये बड़ा मसला है। मैं कहता हूँ 4 मिनट, हमारे दोस्त यासीन जो देखते हैं चैनल को वो कहते नहीं आपकी बातें अच्छी होती लंबी, मैंने कहा बस बातें कौन सुनता है, ये एक बड़ा हमारे लिए मसला है। तो आप बोलेंगे तो फिर मैं बिल्कुल कट थ्री पॉइंट ठक ठक करूंगा। वैसे हम रील्स बना रहे हैं जो कि 1 मिनट की होती हैं, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो बताइए, वो बनाएंगे रमजान के लिए। और क्या रमजान में लाइव देखें, अगर लाइव देखना है आपको रमजान में बताइए कि लिखिएगा लाइव कितने बजे जहां से भी आप रहते हैं, ताकि मैं ट्राई करूं कि मैं कोई उसी हिसाब से फिर वीडियोस बनाएं लाइव आए यूट्यूब के ऊपर, तो ये बताइएगा। दूसरा, वो लोग जो कि अपने घर में कोई खास रेसिपी हो उनकी, जिसको होता ना हर खानदान की होती है, हमारे पास होती चने की दाल फ्राई करके, सादी सी है बट यूनिक है, हमारी दही फुल्की जिसको आप लोग फ्रेस्को की कहते हैं, मीठी दही वाली बनसोट की, वो बनती है माश की दाल की, जैसे दही बड़े होते हैं लेकिन उससे बनती है, हम बेसन से नहीं बनाते, वो उसका एक अपना जायका होता है, हर चीज़ का डिफरेंट यू नो एक टेस्ट होता है। तो आपके खानदान की क्या चीज़ है, जैसे कि बिहारियों के एक चने होते हैं काले चने, वो हैं, तो या यू नो अगर आपके पास कोई ज़बरदस्त रेसिपी आप शेयर करना चाहते हैं कराची में तो नथिंग लाइक इट, यासीन उनकी टीम आ जाएगी, और कहीं और भी तो बताइएगा, वी विल फिगर आउट क्या कैसे कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे लिखा हुआ, उसको आप बताएं ताकि हम उसको आप कॉल कर सकते हैं उसके ऊपर। बाकी ये कि डिटेल जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर जी, फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।